ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੁਣੀ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਲਾ ਉੱਪਰ ਆਲਾ आस्ता 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 भैया पीछे से पीछे सर आ जाओ चलिए यार से चलाया आराम से आराम से इसी के समय लाओ ना कोई बात और मैडम वापस लाएंगे उधर से भैया पीछे हो जाओ यार रुक रुक यार पकड़ो 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 आ गया राम राम आस्ता 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 लेडीज पेशेंट है राजे पंप करो पंप हॉस्पिटल में जो है वो चार पेशेंट्स पहुंच चुके हैं जिनमें दो की हालत जो है बहुत सीरियस है लेकिन मैं बहुत खुशी है इस बात की कि हॉस्पिटल का इंतज़ामिया जो है बहुत ही मुस्तरक है और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से पेशेंट्स को लाया जा रहा है इमीडिएटली ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स की पूरी टीम है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से यहां पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का इंतज़ामिया जो है काम कर रहा है जितनी भी जानें बचाई जा सकती है वो बचाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जीएमसी डोडा में उनको नहीं रखा जा सकता वहाँ पे इस तरह की देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जीएमसी डोडा शुरू तो किया गया है लेकिन वहाँ पे अभी भी स्टाफ और इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है और जो स्टाफ और इक्विपमेंट यहाँ पे है अवेलेबल है वो वहाँ पे नहीं है। हम तो यही इंतजामिया से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे स्टाफ जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि ऐसे हादसात में जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए।